वेलकम बैक अनदर न्यू ब्लॉग। सो गाइस, अभी आप लोग देख सकते हो ये रहा मेरा नींबू, और ये नींबू को हमने कमली किया है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा नींबू और यहाँ से हमने कमली किया। इसे बीज का जो पार्ट होता है यहाँ पे, इसका छिलका उसे निकाल दिए हैं, और यहाँ पे जड़ अभी आना स्टार्ट होगा। मट्टी देकर कपड़ा से बांध दिए, सूती कपड़ा से, ताकि यहाँ से जड़ निकल सके और मैं इसके दूसरे जगह लगा सकूँ। तो जब मैं इसे लगाऊंगा तब उस समय मैं आपको दिखाऊंगा फ्रेंड्स। तो चलिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ किस तरह से किया हूँ। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मट्टी डाल के, और यहाँ पे पानी देना होता है रेगुलर, जब तक इसमें जड़ ना आ जाए। सो यहाँ पे हमने बहुत दिन तक पानी दिया, करीब एक मंथ तक लगातार, और एक मंथ देने के बाद पानी, अभी ये इसका जो है अब मजबूती आ चुका है इसमें जान, तो अब नहीं भी देंगे तो चलेगा। और एक इधर भी है, तो अभी मैं आपको इधर भी दिखाता हूँ। सो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे भी मैंने किया है और इसमें भी पानी नहीं डाले हैं। तो यहाँ पे हम पानी डाल देते हैं, तो यहाँ पे लगातार पानी डालना होता है, करीब आप एक महीने तक पानी दे देते हैं लगातार, तो इसमें जड़ आ जाएगा। या आप नहीं भी देते हैं, मतलब स्टार्टिंग का जो होता है उस समय आप करीब एक दो सप्ताह तक लगातार पानी देना होता है, ताकि इसमें नमी बने रहे और इसमें जो जो पौधा है वो मरे ना, इसीलिए यहाँ पे करीब एक सप्ताह तक आप पानी डालते हैं, तो ये आपका जो है ये मरेगा नहीं, और ये मट्टी की वजह से यहाँ पे जड़ आ जाएगा, और जड़ आने के बाद फिर आप इसे दूसरे जगह पे लगा सकते हैं। तो जब हम इसे लगाएंगे उस समय मैं आपको दिखाऊंगा। सो फिलहाल अभी इसी तरह से हमने लाया था दूसरा घर से करके, और इधर देखिए नींबू जो मेरा है वो फरना स्टार्ट हो चुका है, देखिए बहुत सारा नींबू फरा हुआ है। तो ये रहा गाइस नींबू मेरा, और यहाँ पे अभी दो हमने किया है, और एक इसी का किया था और यहाँ पे लगाया है, देखिए तो ये बढ़ चुका है बड़ा, देखिए फ्रेंड्स ये बढ़ चुका है, और इसमें दो नींबू अभी इसमें फरा हुआ है, आप लोग देख सकते हो ये दो नींबू अभी फरा हुआ है, और ये पौधा बड़ा हो रहा है, जब ये बड़ा हो जाएगा तो और ज़्यादा फलेगा। और इधर रहा मेरा अनार का पौधा, आप देख सकते हो अनार में भी फूल आना स्टार्ट हो गया है, ये फरना स्टार्ट होगा अब। तो यहाँ पे एक फरा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक फल आ चुका है, और फूल अभी देख सकते हो आप लोग, फूल अभी दिया हुआ है चारों तरफ, और एक यहाँ पे और एक फल आ चुका है, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे दो फल अभी देखने को मिला है, एक यहाँ पे देख सकते हो ये रहा फल, और यहाँ पे अभी हम लोग रख ले छिड़काव करने के लिए मशीन है, तो फल फूल सब्जी में जब लगाते हैं तो ये मशीन के द्वारा हम लोग छींटते हैं। और यहाँ पे अगेव आप देख सकते हो, ये रहा अगेव का पौधा, ये अगेव का प्लांट है, इसमें कांटा बहुत है, आप लोग देख सकते हो। और ये रहा फ्रेंड्स ये है, तो ये लेमन ग्रास है, जब इसको आप ऐसे करके तोड़ते हैं और इसे मसल के आप एक बार स्मेल करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, जो नींबू फ्लेवर होता है आपको नींबू जैसा लगेगा। हम लोग का नैनुआ, जिसे हम लोग नैनुआ पोरा झींगी के नाम से जानते हैं, ये फरना स्टार्ट हुआ है अभी फ़िलहाल, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं अभी लकड़ी लगाए हैं, और ताकि इसका जो लर है वो चारों तरफ फैला रहे और अच्छे से फले। और नीचे भी है कि यहाँ पे देखिए अभी स्टार्टिंग हुआ है फरना, सो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इसमें आज हमने पानी डाला है, तो पानी आज डाला है हमने, और आज मौसम ऐसा किया है कि लग रहा है पानी आएगा, हो सकता है पानी आए, कहे कि मौसम बना हुआ है। और एक इधर आप देख सकते हैं यहाँ पे भी दो फला हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लहार है, इसका लकड़ी हम लोग यहाँ पे लगा दिए कि बांस ज़्यादा नहीं मिला हम लोगों को, तो बांस नहीं लगाए, देखिए। और इधर यह, पानी डाल चुके हैं इसमें, और काफ़ी ज़्यादा गर्मी है आज, तो अभी पानी डाल ही रहे हैं, और आप लोगों को मैंने दिखाया यहाँ पे जो लगाए हम लोग, चलने में काफ़ी दिक्कत हो रहा है यहाँ पे,
जो लकड़ी लगाए हमने यहाँ पे चारों तरफ फैला हुआ है, सो इसलिए जाने में निकलने में परेशानी हो रहा है। सो अभी नहाने वाले हैं फ्रेंड्स, क्योंकि अभी पानी उन्हें डाल चुके हैं अभी पौधे में, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे जो मेरा नींबू है, वो नींबू तो मैंने आपको दिखाया इस तरह से एक नींबू से हम दूसरे जगह लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही बस। और आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर मेरे वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर देना फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय गाइस।